हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस नींबू के प्लांट को कैसे एक मिट्टी के पॉट में लगाएंगे इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये है 12 इंच का एक मिट्टी का पॉट, इसमें आज हम लगाएंगे। ये है एक भाग गार्डन सॉयल, इसमें हम मिलाएंगे एक भाग कंपोस्ट जिसमें थोड़ा राइस हस्क मिला हुआ है मिट्टी को हल्का रखने के लिए। मिट्टी हल्का रहने से एयर सर्कुलेशन अच्छा होता है, इसमें रूट अच्छे से डेवलप होता है। ये है बोन मील, इसमें से एक से दो मुट्ठी लेंगे। और ये है नीम केक पाउडर, इसमें से भी एक से दो मुट्ठी लेंगे। और इसमें कोकोपीट एक भाग लेंगे, कोकोपीट देने से मिट्टी हल्का रहती है, एयर सर्कुलेशन अच्छी होती है और रूट डेवलप के लिए भी अच्छी होती है। इसको अच्छे से मिला लेंगे, मिलाने के बाद प्लांट लगाएंगे। हम ये मिला लिए हैं, अब हम इसमें ड्रेनेज सिस्टम अच्छे के लिए कुछ मूंगफली के छिलके दे देंगे। प्लांट की पॉलीथीन को अच्छे से निकाल लेंगे जिससे रूट डिस्टर्ब ना हो। इसको अच्छे से चारों तरफ से दबा लेंगे और पॉलीथीन को खींच के निकाल लेंगे। ये निकाल लिए हैं, अच्छा रूट डेवलप हुआ है इसमें। अब हम पॉट में मिट्टी भर लेंगे। जितने चाहिए उतने ही मिट्टी भर लेंगे और इसमें प्लांट लगा लेंगे। ये अच्छे से और थोड़ी सी मिट्टी चाहिए और एडजस्ट कर लेंगे, कर लिए हैं। अब हम प्लांट को लगा लिए हैं और मिट्टी चारों तरफ से दे देंगे। हमारा प्लांट रेडी हो चुका है और हम इसमें पानी दे देंगे। पानी देकर एक से दो दिन के लिए सेमी शेड एरिया में रख देंगे, उसके बाद फुल सनलाइट में रख देंगे। धन्यवाद।